नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी बॉन्ड पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर है हमारा 3। ठीक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है जी, ये हमारे चैप्टर का नाम है। आप सभी को पता है कि इस चैप्टर के ऊपर जो पार्ट वन की जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ये हमारा पार्ट टू रहने वाला है और कोशिश यही रहेगी कि इसी वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर ले। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, हो सकता है थर्ड पार्ट भी बनाना पड़ जाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि भाई हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर दे, इसी पार्ट में हम कंप्लीट कर ले। 40 मिनट के आसपास की वीडियो रहेगी, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, एक एक करके सारी चीजों को हम समझने वाले हैं, है ना। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि अपने साथ रखना है नोटबुक, एनसीईआरटी बुक को रखना है और चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है, चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपनी जो हमने फर्स्ट पार्ट में जहां तक हमने चैप्टर को समझा था उसके आगे के टॉपिक को हम समझेंगे। आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने कहां तक कर लिया था, फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था बांग्लादेश, बांग्लादेश में लोकतंत्र, है ना, इस टॉपिक को हमने समझ लिया था। आज हम बांग्लादेश वाले टॉपिक के बाद जो हमारा टॉपिक आता है मालदीव के बारे में, है ना जी, हम मालदीव के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए जी, हाँ जी, मालदीव की बात हम कर लेते हैं, मालदीव से हम शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है मालदीव जो है वो पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस प्लेस माना जाता है, बहुत सारे लोग वहां पे घूमने जाते हैं, है ना, जो समुद्री जो तट है वहां पे मजे लेने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पर्यटन के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब ये फेमस है मालदीव। ठीक है जी, देखिए मालदीव की अगर हम बात करें तो 1968 तक ये सल्तनत हुआ करता था। आप सभी को मैंने सल्तनत का मतलब बताया कि यहाँ पे सुल्तान का शासन होता था, है ना, बाद में चल के यहाँ भी लोकतंत्र कायम हो जाता है। तो देखो 1968 में यह एक गणतंत्र देश बना था, ठीक है, और शासन की अधिशासनात्मक प्रणाली को इन्होंने अपनाया। ठीक है, अधिशासनात्मक प्रणाली मतलब क्या होता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो होगा वो सत्ता का प्रमुख होगा, तो अधिशासनात्मक शासन व्यवस्था को इन्होंने अपना रखा है। ठीक है, देखो जून 2005 की अगर हम बात करें तो मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के लिए पक्ष में मतदान किया था। तो 2005 में यहाँ पे क्या किया गया, बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था को अपनाने के लिए यहाँ पे एक तरीके से मतदान किया गया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली को अपनाएंगे। बहुदलीय प्रणाली में क्या होता है कि चुनाव में बहुत सारे दल होते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते देखिए, मालदीवीय डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करें, एमडीपी की अगर हम बात करें, तो देश के राजनीतिक मामलों में इस पार्टी का सबसे ज्यादा प्रभुत्व है, इस पार्टी का दबदबा बहुत ज्यादा है। 2005 के चुनाव की अगर हम बात करें तो मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। 2005 के चुनाव के बाद क्या हुआ है, वहां पर लोकतंत्र बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है और चुनाव में विपक्षी दलों को भी कानूनी मान्यता दे दी गई है, मतलब और भी विपक्षी जो पार्टियां है वो भी सत्ता में आने लगी है और चुनाव वहां पे स्वतंत्र तरीके से होने लगा है। ठीक है जी, मालदीव के साथ भारत के संबंध जो है बहुत ही अच्छे हैं और गर्म जोशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दोनों ही देश अपने संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने अगर न्यूज चैनल देखा होगा तो अभी एक आध साल पहले की हम बात है, पिछले साल की ही बात है, तो मालदीव और जो हमारे नरेंद्र मोदी है ना, और वहां के जो लक्षद्वीप वाला मुद्दा आप लोगों ने देखा होगा न्यूज चैनलों पे, तो उस समय क्या था कि हमारे जो संबंध है मालदीव से बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। अभी भी लगभग लगभग संबंध अच्छे नहीं हुए क्योंकि मालदीव जो है वो चाइना के साथ जा रहा है, वो चाइना के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से मालदीव का हमारे जो संबंध है, मालदीव के साथ जो संबंध है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। ठीक है जी, देखो 1988 में क्या हुआ, मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा जब जो पर्यंत्र के माध्यम से वहां पे हमला कर रहे थे, वहां के जो राष्ट्रपति थे, आई थिंक उनको मारने के लिए जो षड्यंत्र रचा था भाड़े के सैनिक, जो कि लिट्टे के ही सैनिक थे, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि लिट्टे के जो भाड़े के सैनिक थे वो श्रीलंका पहुंच गए थे, है ना,
और वहां पे की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो षड्यंत्र वहां के भारी के सैनिकों ने जो रचा था, उसको भारत ने क्या किया, नाकामयाब किया था। अपनी सेना भेजकर, अपनी सेना को भारत ने भेजा था मालदीव में, और वहां पे जो भाड़े के सैनिकों ने जो हमला किया था, उस हमले को नाकामयाब करने में भारतीय सेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सपोर्ट हमने किया किसको, मालदीव को। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास और पर्यटन तथा मत्स्य उद्योग में भी सहायता किया। देखो, आर्थिक विकास में हमने इनको सहयोग किया, पर्यटन में हमने सहयोग किया, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने में हमने सहयोग किया, मत्स्य उद्योग की अगर हम बात करें तो इस चीज में भी हम मालदीव को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे यह समझ में आता है कि मालदीव के साथ हमारे जो संबंध है बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में नेपाल जो था अतीत में हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, है ना। अभी भी वहां का जो प्रमुख धर्म है हिंदू धर्म है। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा है। सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे राजा का शासन रहा है, संविधान के माध्यम से यहाँ पे राजा का शासन कायम किया गया, है ना। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने क्या किया, 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग ली। मतलब वहां पे लोकतंत्र के खिलाफ, मतलब लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो आंदोलन चल रहा था 1990 के दशक में बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगा। तो सर जो वहां के जो राजा है, राजा ने क्या किया, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो मांग थी उसको मान लिया, लेकिन राजा का जो दबदबा था, राजा का जो वर्चस्व था, वो नेपाल से खत्म नहीं हुआ था, है ना। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार का कार्यकाल बहुत ज्यादा छोटा रहा और समस्याओं से भरा हुआ था, क्योंकि राजा जो था वो हर मामले में हस्तक्षेप कर दिया करता था। इस वजह से चीजें सही से चल नहीं पा रही थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर सही से नहीं चल पा रही थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पेज हमारा ओपन हो चुका है। अगले पेज पे हम देखते हैं कि 1990 के दशक में नेपाल के जो माओवादी है, 1990 के दशक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो इसी समय क्या होता है कि जो नेपाल में जो माओवादी है, माओवादी जो कि माओ के विचारधारा पे चलते हैं, हिंसा वगैरह को बढ़ावा देते हैं, है ना, नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने लगे थे। जो माओवादी है इनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, और माओवादी तो भाई किसी से डरते नहीं है, ये तो मार काट में विश्वास करते हैं। जो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इनको पसंद नहीं आती है, उनको हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं माओवादी। ठीक है, तो जो नेपाल के जो माओवादी थे 1990 के दशक से इनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो राजा है उनको सत्ता से पूरी तरीके से हम हटा दें, और इसके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार थे भाई, सशस्त्र विद्रोह करने के लिए तैयार थे। राजा की सेना और माओवादी के बीच में क्या चला जी, गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला संघर्ष चला। गुरिल्ला युद्ध समझते हैं, जो पहाड़ों पे छुप छुप के जो युद्ध होता है, वार किया जाता है, उसको हम गुरिल्ला वार कहते हैं, है ना। तो ये लड़ाइयां चलती रही, है ना। राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थन जो लोग हैं और जो माओवादी है, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चलने लगा। ठीक है जी, जो राजा है अपनी शासन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेनाओं को मैदान में उतार दिया। जो लोकतंत्र समर्थन जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से ये चाहते थे कि भाई यहाँ पे लोकतंत्र को कायम किया जाए, और जो माओवादी है ये भी यही चाहते थे कि किसी भी तरीके से अब ये जो लोकतंत्र जो लोकतंत्र को समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से ये डिमांड कर रहे थे। लेकिन माओवादी मारकाट, युद्ध, समझ रहे हो, इन सब चीजों का सहारा ले रहे थे। युद्ध कह रहा हूं, हिंसा का सहारा ले रहे थे सब। ठीक है जी, 2002 में क्या हुआ, राजा ने संसद को भंग कर दिया। जो वहां पे संसद बनाया गया था 1990 के आसपास, उसको पूरी तरीके से भंग कर दिया गया और सरकार को वहां पे गिरा दिया गया। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र यहाँ पे 1990 में कायम हुआ था ना, वो भी खत्म कर दिया राजा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्या होता है, अप्रैल 2006 की बात करें तो यहाँ पे देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए। बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है लोगों द्वारा जो लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहे थे। सभी लोग, लगभग आम नागरिक तो सभी चाहते थे कि भाई लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए, लोकतंत्र को अपनाया जाए नेपाल में, है ना। लोकतंत्र जो समर्थन समर्थक थे उनसे बाध्य होकर, मतलब मजबूर होकर राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया, संसद को दोबारा से बहाल कर दिया। मतलब संसद जो है उसको दोबारा से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से
लेकर आया हो, ठीक है। कौन राजा ज्ञानेंद्र ने बहाल किया इसको, ठीक है। इस प्रतिरोध का नेतृत्व जो है वहां पे जो ये लोकतंत्र को समर्थन देने वाले जो लोग थे, ग्रुप थे, उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी प्रदर्शन हुए थे उस प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया था, सात दलों के गठबंधन ने किया था। देखो नेपाल में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो जिन पार्टियों ने एक तरीके से समर्थ जो वहां पे प्रदर्शन चल रहे थे उस प्रदर्शन को बढ़ावा दे दिया था, वो सात दलों ने बढ़ावा दिया था, जिसको हम सेवन पार्टी अलायंस कहते हैं, है ना। माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम सेवन पार्टी अलायंस कह देते हैं। इसमें माओवादी भी शामिल थे, माओवादी भी एक कह सकते हैं कि माओवादी भी एक पार्टी है ना वहां पे, ठीक है। माओवादियों की भी एक अलग पार्टी है। नेपाल का संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन भी किया गया, इनकी मांग को माना गया और संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। आगे देखिए, आगे पॉइंट अगर देखेंगे तो माओवादी चाहते थे कि संविधान में सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रम को शामिल किया जाए, है ना। सामाजिक और आर्थिक विकास वगैरह को बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्यक्रम है उसको शामिल किया जाए। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारत की सरकार की भूमिका को लेकर चिंतित थे। जो माओवादी चाहते हैं, माओवादियों का मानना है कि भाई भारत के साथ नेपाल को संबंध, मतलब भारत के साथ नेपाल को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, ऐसा माओवादी मानते हैं। तो ये, लेकिन आपको पता है कि नेपाल को हम स्टार्टिंग से सपोर्ट करते आ रहे हैं, नेपाल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन माओवादी चाहते हैं कि भारत के साथ नेपाल का कोई संबंध ना हो, इस वजह से ये काफी ज्यादा चिंतित है माओवादी, ठीक है जी। 2008 में क्या होता है, नेपाल जो है वो नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। 2008 में क्या हुआ, पूरी तरीके से यहाँ पे राजतंत्र को समाप्त किया गया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया नेपाल, ठीक है। फिर से देखो 2015 में क्या होता है, एक नया संविधान लिखा जाता है वहां पे। वैसे 2008 से ही लोकतंत्र बन चुका है, लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे लागू हो चुकी है, लेकिन संविधान जो है बार बार चेंज होते रहे हैं। 2015 में अभी जो करंट में जो इनका संविधान लिखा गया वो 2015 में लिखा गया है, और उस समय से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि नेपाल वाला टॉपिक भी आप लोग समझ चुके होंगे, नेपाल में किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई, राजतंत्र से लोकतंत्र यहाँ पे आया, उसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए जी अब आ जाते हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष, ठीक है। देखो श्रीलंका की समस्या सबसे अलग है, श्रीलंका आप देखेंगे एक छोटा सा द्वीपीय देश है ना, कोलंबो जो है इसकी राजधानी है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। कब आजाद हुआ था, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था, हमसे एक साल बाद आजाद हुआ। लेकिन विकास की अगर बात करें तो बहुत तेजी से विकास किया इसने, है ना। 1948 के बाद से लेके अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम रहा है भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही उन्होंने अपना रखा। स्टार्टिंग से ही यहाँ पे क्या चल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रहा है ना। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिहली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का शिकार रहा। देखो जी श्रीलंका में क्या है, दो जातीय समुदाय है जिनके बीच में खतरनाक लेवल का संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है जी। दो समुदाय, कौन से दो समुदाय का नाम बता दिया, सिहली है पहली समुदाय और दूसरी समुदाय कौन सी है, तमिल। सिहली जो है वहां के मूल निवासी है, मैं आपको बताता हूं स्टोरी के तरीके से आपको याद कर लेना है समस्या आखिरकार है क्या। सिहली जो है वो कौन है भाई, वहां के मूल निवासी माने जाते हैं। तमिल जो है ये कहां से गए, भारत से गए, ठीक है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, श्रीलंका भी अंग्रेजों का गुलाम था भाई, तो बहुत सारे तमिलों को लेके जाया जाता था श्रीलंका में काम के लिए, काम करवाने के लिए। तो इस तरीके से तमिलों की संख्या वहां पे श्रीलंका में बढ़ गई। लेकिन मूलवासी कौन है भैया, सिहली लोग हैं। तो सिहली लोगों ने बोला जब आजाद हुआ श्रीलंका तो सरकार में दबदबा किसका होगा, सिहली लोगों का, है ना। सरकारी नौकरियों में दबदबा किसका, सिहली लोगों का, क्योंकि संविधान जो बना था वो किनके नजरिए से बना था, सिहली लोगों के नजरिए से। सारी चीजों में सिहली लोगों का दबदबा। यहां पे तमिल भाषा को दबाया जा रहा है, तमिल संस्कृति को दबाया जा रहा है, उनकी एक बात नहीं सुनी जा रही भाई, सरकारी नौकरियां इनको मिलती नहीं जल्दी। तो इस वजह से वहां पे जातिगत संघर्ष उभर के सामने आया। तमिलों ने सोचा कि भाई हम तो अपने देश मतलब श्रीलंका में हम तो बेगाने हो गए भाई, हमारे लिए तो श्रीलंका में कुछ बचा नहीं है,
ठीक है। तो सिली और सिली श्रीलंका के मूल निवासी थे तथा तमिल जो भारत से जाकर वहां पे बस गए थे, है ना। आगे देखिए आगे क्या लिखा है, स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों तथा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग करने वाले जो लोग हैं, है ना, संसाधनों पर अधिकार के लिए है। जो तमिल लोग हैं वो संसाधनों पे अपना अधिकार चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि भाई श्रीलंका में सिर्फ सिली लोगों का ही संसाधनों पर अधिकार हो, ऐसा नहीं चाहते। जो तमिल लोग हैं वो चाहते हैं कि संसाधनों पे उनका भी अधिकार हो, इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर सिली लोग जो है, सिली समुदाय के लोग हैं, इनकी मांग का विरोध करते हैं। सिली लोग तमिलों की मांग को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, इसलिए जो तमिल लोग है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तमिल लोग किसी भी हालत में वहां पे सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, और इसलिए तमिलों ने क्या किया, 1983 में एक उग्रवादी संगठन बना दिया, ठीक है, जिसको हम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम बोलते हैं, लिट्टे, शॉर्ट में लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है जी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, तमिल इलम। तो ये एक उग्रवादी संगठन है, और ये क्या कर रहे हैं, लगातार मतलब संघर्ष किया उन्होंने, बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया कि जो श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, आपका मैं दिखाता हूं मैप में, श्रीलंका का जो ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग, इसको एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, ठीक है, और ये इस एरिया पे किसका नियंत्रण हो, तमिल लोगों का। इसके लिए ये संघर्ष कर रहे हैं भाई, बहुत लंबा संघर्ष चला है तमिलों के बीच में और श्रीलंकाई सेना के बीच में, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी भाग को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे कौन, ये तमिल लोग, ठीक है। तो तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिल लोगों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लग रहे भाई वहां पे। आगे आ जाओ, श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है, नियंत्रण इन्होंने स्थापित कर लिया। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भी भारी दबाव है, ताकि दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। अब देखो भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार का वही संबंध है, क्योंकि तमिल लोग जो है इंडिया के ही है, तो वो इस समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाए, है ना। तो भारतीय सरकार ने समय समय पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश की, ये जो संघर्ष चल रहा है उसको खत्म करने की कोशिश की। और 1987 में क्या हुआ, भारतीय सरकार ने श्रीलंका, इस जो श्रीलंका के जो तमिल है उनके मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का निर्णय ले लिया कि भाई अब क्या करेंगे, हम इस मसले को सुलझाएंगे, इस मसले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब अपनी शांति सेना भेज दी, ठीक है। भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए सेना भेज दिया, ठीक है। ये सेना 1987 में भेजा गया भाई, 1987 में क्या किया भारत ने, अपनी शांति सेना भेज दी कहां, श्रीलंका में। लेकिन भाई ये जो शांति सेना है अपने लक्ष्य में, शांति सेना का मकसद क्या होता है, शांति सेना का मकसद होता है कि किसी जगह पे जाए, अगर वहां पे हिंसा हो रही हो तो वहां पे मारकाट ना करके शांति की स्थापना करे, है ना। लेकिन शांति की स्थापना तो नहीं कर पाए भाई, 1989 में भारतीय सरकार ने क्या किया, अपनी शांति सेना को वापिस बुला लिया, बिना लक्ष्य को हासिल किए, ये जिस पर्पज से गए थे उस पर्पज को पूरा नहीं कर पाए, वहां पे शांति की स्थापना नहीं कर पाए, और बिना लक्ष्य पाए इनको वापिस आना पड़ा, है ना। बाद में नॉर्वे है, आइसलैंड है, जैसे जो स्कैंडिनेवियाई देश है ना, स्कैंडिनेवियाई देश कौन होते हैं भाई, तो उत्तरी यूरोप के कुछ देश है जिनको स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं, जो कि मतलब जिनमें काफी ज्यादा समानताएं हैं उन देशों को कहा जाता है। तो नॉर्वे और आइसलैंड जो है, इन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। जो तमिल लोग हैं, तमिल और जो श्रीलंकाई, श्रीलंका के जो मूल निवासी है सीली लोग, उनके बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की, मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, ठीक है। देखो बाद में आप सभी के लिए एक और चीज, कि 2009 में क्या होता है, लिट्टे जो है, लिबरेशन टाइगर्स और तमिल इलम है, जिसका जो प्रमुख होता है प्रभाकरन, ठीक है, क्या नाम था, प्रभाकरन की मृत्यु हो गई भाई, प्रभाकरन को मार दिया गया। और प्रभाकरन के मरने के साथ ही जो श्रीलंका में जो ये संघर्ष चल रहा था तमिल लोगों के बीच में और श्रीलंकाई सेना के बीच में, वो संघर्ष खत्म हो गया, क्योंकि लिट्टे का जो प्रमुख था वो मारा गया। लिट्टे भाई, श्रीलंका की सरकार ने लिट्टे को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था, है ना,
और इस वजह से भी उसका सफाया करने की पूरी कोशिश चल रही थी। प्रभाकरण को मारने के साथ ही ये जो संघर्ष है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। संघर्षों की चपेट में रहने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि की और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। ठीक है, जनसंख्या पर उसने क्या किया, सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया भाई। जैसे इंडिया की बात कर ले, इंडिया अभी तक नहीं कर पाया भाई अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण, लेकिन श्रीलंका ने बहुत अच्छे से अपने जनसंख्या पर नियंत्रण किया और विकासशील देशों से भी आगे निकल गया, है ना, विकासशील देशों में काफी आगे निकल गया। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया भाई। ये एक नंबर में आ जाता भाई, एमसीक्यू में आ सकता है भाई, याद रखना। दक्षिणी एशिया में सबसे पहले किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण किया, तो श्रीलंका ने। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था को खोलना, दुनिया के दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना ही उदारीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले उदारीकरण किसने किया था भाई, श्रीलंका ने। देखो, गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। तो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद जो रहा वो कौन से देश का रहा भाई, प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद था वो श्रीलंका का ही रहा, है ना। अंदरूनी संघर्ष के को झेलते हुए भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रखी। जितने ज्यादा संघर्ष वहां पे हो रहा था, जातिगत संघर्ष, मारकाट हो रहा था, उसके बावजूद भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए रखी, लोकतंत्र को चलाए रखा, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं इसको भी आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अभी चलते हैं आगे, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है भारत पाकिस्तान संघर्ष। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से टॉपिक है, उसको हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप सभी को पता है कि विभाजन के तुरंत बाद दोनों देशों ने कश्मीर के मामले पर युद्ध लड़ लिया भाई। 1947-48 में आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर पहला युद्ध हुआ था, है ना। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है, इस वजह से ये युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1947-48 1965 में युद्ध हो चुका है, साथ ही साथ 1971 में युद्ध हो चुका है ना, 1999 में कारगिल संघर्ष हो चुका है, तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं दोनों देशों के बीच में। देखो, 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए, आप सभी को पता है। एक तो पीओके है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, है ना, और शेष हिस्सा हमारे देश में, देश के पास है। ठीक है, एक हिस्सा है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत है, है ना। दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा बना दिया गया है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता था, लेकिन कश्मीर का जो मसला है वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। मतलब कश्मीर का मसला आज तक वैसा ही का वैसा ही हूबहू बना हुआ है। ठीक है जी, देखो सामरिक मसले को लेकर भी इन दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष चलता रहता है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर, हथियारों की होड़ को लेकर, है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी बनी रहती है। अगर कोई एक हथियार भाई इंडिया खरीदे तो उससे पाकिस्तान को चुल मचता है, अगर पाकिस्तान कोई नया हथियार बनाता तो नहीं है, ज्यादातर खरीदता ही है, हम तो बना भी लेते भाई, है ना। अगर कुछ खरीद लिया भाई इंडिया ने तो चुल मच जाती है उसको, कुछ फिर पाकिस्तान ने कुछ खतरनाक हथियार खरीद लिया तो भाई हमारे लिए भी खतरनाक है ना वो चीज, समझ रहे हो। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियार बना लिए जो कि दोनों को ही नुकसान पहुंचेगा भाई। ऐसे मिसाइलें मतलब निजात कर लिया, ऐसे मिसाइल बना लिए जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, आप सभी को पता है, परमाणु हथियार की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 1998 में लगभग दोनों ही देशों ने परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए। दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नए चरित्र ग्रहण कर लिया है भाई। दोनों ही देश ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हथियार अपने पास रखना चाहते हैं ताकि कभी भी युद्ध हो जाए बिछा डाले, और युद्ध होगा तो भाई बहुत आम नागरिक मारे जाएंगे। नेता लोग तो भाषणबाजी करेंगे, मारे कौन जाएंगे हमारे जैसे लोग, ऊपर से गिरेगा बम, बिल्डिंग के बिल्डिंग तवा चित्रे चित्रे उड़ने वाले हैं भाई लोगों के, अगर युद्ध हो गया तो। युद्ध होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर पे युद्ध होगा, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला आप सभी को याद रखना चाहिए,
युद्ध का मतलब ये नहीं है कि बस बॉर्डर पे हमारे सैनिक या जवान मारे जाएंगे, आम नागरिक, हम आम नागरिक भी मारे जाएंगे। हमला होगा तो शहरों पे होगा, मेन शहरों को टारगेट किया जाएगा, दिल्ली बम्बई जैसे शहरों को, अहमदाबाद जैसे शहरों को जहाँ पे आबादी ज्यादा है, उन शहरों को टारगेट किया जाएगा, उन पे परमाणु बम गिराए जाएंगे ताकि ज्यादा लोग मरे, है ना। तो हम लोग भाई भगवान से ही दुआ करते हैं कि युद्ध जैसी दौलत कभी ना आए, सभी सुखी रहे, सभी अपनी जिंदगी को, सभी देश के लोग, मैं ये नहीं चाहता कि बस इंडिया या पाकिस्तान, दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग सुखी पूर्वक जिंदगी जिए, है ना। आप लोग भी चाहते हैं ऐसा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, यस सर हम भी चाहते हैं ऐसा ही, ठीक है। देखो 1998 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान, भारत ने तो पोखरण में, देखो भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, पोखरण में किया था, है ना। इसी के कुछ दिन बाद जो पाकिस्तान है उसने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया चगाई की पहाड़ियों में, कहा किया था चगाई, नाम याद रखना भाई, नाम याद रखना, कहां पे किया था पाकिस्तान ने, चगाई की पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है जी। तो इस तरीके से 1998 में दोनों ही देश बन गए परमाणु संपन्न राष्ट्र, ठीक है। और परमाणु हमले की धमकी तो भाई आता रहता है, एक दूसरे को देते रहते हैं, उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। अब देखो दोनों ही देश की सरकार जो है ना, दोनों ही देश की सरकारें जो है एक दूसरे के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। अब कैसे कैसे आरोप लगाते हैं जी, देखो सबसे पहले भारत सरकार का आरोप है कि भाई पाकिस्तान सरकार ने हिंसा की रणनीति जारी रखी है। मतलब भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाती है कि भाई पाकिस्तान भारत में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाती रहती है, ठीक है। भारत का आरोप है कि भाई कश्मीर उग्रवादियों को हथियार देना, उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना, धन देना, पैसे देना, भारत पर आतंकवादी हमले करवाना, इन सबके पीछे किसका हाथ है, इन सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये सब आरोप भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से लेकर 1995 की अवधि में खालिस्तानी समर्थक जो उग्रवादी है, खालिस्तान जो सिख लोग है उनका एक संगठन है, वो चाहते हैं कि पंजाब को इंडिया से अलग करवा दे, खालिस्तान नामक नया देश बनवा दे, है ना। तो खालिस्तानी समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद उपलब्ध करा रहा है, कौन, पाकिस्तान, ये आरोप भारतीय सरकार लगाती है, है ना। आगे आ जाओ जी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ISI, ये क्या है, ISI क्या है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है ना। इस पर क्या आरोप लगता है भाई, इंडियन गवर्नमेंट क्या आरोप लगाती है कि बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से ISI क्या करवाता है, हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य है ना, वहां पे विरोधी अभियान, भारत विरोधी अभियान चलाता है, भारत विरोधी अभियान को बढ़ावा देता है, ठीक है। पाकिस्तान की सरकार, भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर क्या आरोप लगाते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि जो बलूचिस्तान है, आप सभी को पता है कि एक प्रांत है पाकिस्तान का, एक प्रांत है बलूचिस्तान, ठीक है, खबर में आता रहता है बलूचिस्तान की खबरें, तो बलूचिस्तान में जितनी भी समस्याएं भड़काई जा रही है, जितनी भी समस्याएं वहां पे उत्पन्न हो रही है, वो सब किसकी वजह से, भारत की वजह से, है ना। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और पाकिस्तानी सरकार का यह मानना है कि ऐसा किनकी वजह से हो रहा है, भारत की वजह से हो रहा है, भारत की सरकार ही वहां के लोगों को भड़का रही है, ठीक है, ये हो गया। देखो सिंधु जल विवाद को लेकर भी भाई दोनों देशों के बीच में संघर्ष है, एक बहुत गंभीर मुद्दा रहा सिंधु नदी जल विवाद, क्योंकि सिंधु नदी कहां से निकलती है भाई, इंडिया से निकल के पाकिस्तान की तरफ जाती है, इंडिया अगर सिंधु नदी का पानी रोक दे तो हाहाकार मच जाएगा ही पाकिस्तान में, तो प्यासे हो जाएंगे वो, है ना। तो सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद है दोनों ही देशों के बीच में। चलिए जी एक बार रीड करते हैं, इसको हम समझते हैं क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है, है ना। 1960 तक दोनों ही देशों के बीच सिंधु नदी जल के इस्तेमाल को लेकर विवाद होता रहा है। 1960 में ही जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुआ था, है ना, दस्तखत किया है, हस्ताक्षर किया दोनों ही देशों ने, किस पे, सिंधु जल संधि पे 1960 के दशक में। और इसके माध्यम से इस संधि में कहा गया है कि भारत जो है वो जल के बहाव को नहीं रोकेगा, सिंधु नदी का जो जल का बहाव है उसको
नहीं रोकेगा, पाकिस्तान में भी पानी जाने देगा। यह संधि भारत पाकिस्तान के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अभी तक कायम है, और अभी तक हमने सिंधु नदी का जो पानी है उसको रोका नहीं है, हम जाने दे रहे पाकिस्तान में, ठीक है। तो हम हैं, हम इंडिया वाले हम हैं, समझ लो। बाकी सब पानी कम है, लेकिन फिर भी हम इनको पानी पिला रहे हैं, इनको हम पानी दे रहे हैं। सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद होते रहे हैं, मतलब अभी भी कभी कभार छोटे मोटे विवाद भाई पानी को लेके, सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेके होते रहते हैं दोनों ही देशों के बीच में। देखो कच्छ और सरकिरिक सीमा, सरकिरिक सीमा क्या है, देखो जैसे कि अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे, ये अपना ये वाला हिस्सा है, हमें ये वाले हिस्से से मतलब है, ठीक है, इसको तो ऐसे कर देते हैं बस, ठीक है। इधर अपना है गुजरात, तो इस जगह से क्या है, इधर से ना एक जलधारा निकलती है, नदी की जलधारा, ठीक है, जिसको सरकिरिक सीमा कहा जाता है। मतलब ये हमारे जो इधर का सिंध, सिंध का एरिया है, सिंध इधर पाकिस्तान का सिंध का एरिया है, हमारा जो गुजरात का एरिया है, इन दोनों के बीच में से एक जलधारा निकलती है जो कि अरब सागर में गिरती है, है ना। इसको लेकर भी विवाद है, इसके इसके ऊपर नियंत्रण को लेकर विवाद है, ठीक है। पाकिस्तान का कहना यह है कि भाई ये ऐसा जगह है जिसपे हमारा राज होना चाहिए, हमारा राज है, इंडिया भी यही बात कहती है। तो इसके वजह से सरकिरिक सीमा को लेकर भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रखी है और विवाद होते हैं। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है उसको हम बढ़ते हैं। देखो कच्छ के रण में सरकिरिक सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद है। तो कच्छ में, गुजरात में एक जगह कच्छ है ना, वहां पे है सरकिरिक सीमा रेखा, ठीक है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सरकिरिक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ने वाला है, ठीक है जी। जो सरकिरिक, जो आपका जो सरकिरिक की जो लाइन है ना, जहां से वो बिल्कुल नदी छोटी, मतलब जो बहाव है नदी का, तो यहां पर जिसका नियंत्रण होगा, क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ है, तो इस पे जिसका नियंत्रण होगा ना, तो समुद्री संसाधनों पे नियंत्रण को लेकर भी फिर उसका दबदबा ज्यादा हो जाएगा, जिसका भी इस सरकिरिक सीमा पे नियंत्रण होगा, है ना। तो लिखा यही कि इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सरकिरिक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ने वाला है, और भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं कि भाई इस पर किसका नियंत्रण होगा, कैसे होगा, सारा कुछ इसको लेके वार्ताएं चल रही है। बहुत ही कठिन है भाई, इन एरियाओं पे जो सरकिरिक जो सीमा रेखा है वहां पे नियंत्रण जमाना, वहां पे सेना को भेजना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। भारत और अन्य पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो कोशिश यही रहेगी कि इसको हम पार्ट थ्री में समझे, ठीक है। एक और पार्ट रख देते हैं भाई इस चैप्टर के ऊपर, चैप्टर थोड़ा लेंथी है और इसमें कम से कम अभी हो सकता है कि जितने टॉपिक है उसके हिसाब से आधा घंटा और लग जाए, है ना। और वीडियो लगभग अभी ये 35 मिनट के आसपास की, 35-34 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो कोशिश करते हैं कि भाई अगले पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दें, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आधे घंटे से ऊपर की वीडियो है, इनफ है। कोशिश यही रहती है कि 30-40 मिनट की वीडियो में बनाऊं, ज्यादा लेंथी वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि एक तो फोन का जो स्टोरेज है, क्योंकि अपने पास कैमरा नहीं है, फोन का स्टोरेज जो है बार बार फुल हो जाता है, बीच बीच में वीडियो बंद हो जाती है, तो फिर से मेरे को सारा कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है ना। तो ठीक है, अपना 35 मिनट की वीडियो इनफ है, थर्ड पार्ट में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और साथ ही साथ एनिमेटेड वीडियो भी जरूर देखना भाई, एनिमेटेड वीडियो में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा रखा है, तो उनको भी जरूर देख लेना, ठीक है जी। मिलते फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।